सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, गंगा माता की जय और सभी माताओं की जय। इनको छोड़ दिया पिताओं को। जानने की दो विधि है, बिना इन विधियों के कोई भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। एक विधि का नाम है निषेध। निषेध अर्थात जो आपको जानने में आ जाए, जो आपके अनुभव में आ जाए, एक वाक्य रट लो, ये मैं नहीं हूं। चाहे देह के बाहर ये, यहाँ तक अपना ये देह, यहाँ तक मन, जो आपको मालूम पड़ जाए, तुरंत एक वाक्य अंदर से, जबान से नहीं, जैसे गुरु ग्रंथ साहब या अरदास करने वाले बोलते हैं ना, बोले सो, तो हम इसमें इतना और जोड़ना चाहें तो जो हृदय से बोले, केवल जबान से नहीं। तो इसी तरह से अंतर आत्मा से क्या बोलो, जो मालूम पड़ जाए, सच्चे अंदर से कहो ये मैं नहीं हूं। केवल बोलना नहीं है, महसूस भी करो। कैसे? जो मुझे मालूम पड़ा वो मेरे से भिन्न है। इसके लिए मंत्र है, श्लोक भी है, यत्र द्वैतम इव भवति, जहाँ द्वैत होता है वहाँ ही इतर इतर को जानता है। यदि जानने में आता है तो वो जाना गया, तुमने जाना, वो और है, तुम नहीं हो। यहाँ तक मन भी गया कहीं तो जानने में आया, इसलिए उसे भी कहो ये मैं नहीं। जो कुछ हुआ आया और गया, जो तुम्हारे रहते आया और चला गया, उसे भी कहो ये मैं नहीं। बस एक मंत्र, जैसे गुरु मंत्र होता है ना, हम सभा में आज गुरु मंत्र दे रहे हैं। कौन सा? जो अनुभव में आवे, जो जिसको तुम जान जाओ, ये याद रखो, यह तुम नहीं हो, ये तुम्हारा दृश्य है, ऑब्जेक्ट है, तुमको मालूम पड़ता है, तुम वो हो जिसको ये मालूम पड़ता है। यद्यपि हम जो बोलते हैं यूं तो अनुभव भी है, लेकिन हम सब कुछ अपने उपनिषदों के आधार पे बोलते हैं। हम कहीं अपने शास्त्र के बाहर नहीं बोलते, हम अपने अनुभव को स्वयंभू नहीं कि मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ। अनुभव करना अच्छी बात है, पर आप कल्पना मत करो, जो है वैसा जानो। जैसे आँख कभी आँख को नहीं दिखती, आँख से रूप दिखता है। सच तो ये है, अत्यंत नज़दीक होने पर भी नहीं दिखता। कोई चीज़ न दिखने के कई कारण हैं, बहुत नज़दीक होने से भी नहीं दिखती, बहुत दूर होने से नहीं दिखती, बहुत सूक्ष्म होने से नहीं दिखती। जैसे यहाँ धूल के कण उड़ रहे हैं, तुम्हें नहीं मालूम, नहीं दिखते। कभी कभी देखा होगा किसी छत से जरा रोशनी आती है तो उसमें धूल के कण उड़ते मालूम पड़ते हैं। तो बहुत छोटे होने से नहीं दिखते, दूर होने से नहीं दिखते, समीप होने से। आपकी आंख में काजल लगा लें, लगाया ही होगा, पलक में नहीं,
देखो काजल देख के दिखा दो, क्यों नहीं दिखता? तो यदि तुमसे बहुत कोई चीज नजदीक हो जाएगी, तुमसे तुम में मिल जाएगी, तो दृश्य नहीं होगी। दृश्य होने के लिए कुछ दूरी चाहिए, भिन्नता चाहिए। मैं तुम्हें दिख रहा हूं, और तो छोड़ो, तुम्हें तुम्हारा हाथ दिखता है। तो आंख कहां? हाथ में है। यदि हाथ में आंख होती तो हाथ नहीं दिखाई पड़ता। आंख से हाथ दूर है। यहां तक देखो, मैं अपनी दाढ़ी देख रहा हूं। एक बार मैं साउथ अमेरिका गया, पता नहीं वहां क्या कारण है, वहां के लोगों को, मनुष्यों को दाढ़ी नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ स्त्रियां होती हैं, वहां सब पुरुषों की दाढ़ी मूछ नहीं थी। तो एक लड़का हमारे पास आया, हमारी दाढ़ी की ऊपर के देखे। उसके लिए हम नए थे, उसने देखा ही नहीं था। अभी अभी एक बच्ची को इन्होंने पूछा, तुम साधु बनोगी? कहते, मैं कैसे बनूंगी, मुझे तो दाढ़ी नहीं है। माने दाढ़ी हो तो ही साधु बनना पड़ेगा। तो कहना यह है कि देखो, अपनी दाढ़ी देख लेते हैं। यहां तक मैं अपनी बरो जो बाल है, इसको थोड़ा पकड़ के करूं तो जरा सा भी दूरी होगी तो दिख पाएगी। दूर ज्यादा होगी तो नहीं दिखेगी। अब बहुत दूर छोटा दिया जला दें, बहुत ऊंचे आसमान में जहां तारे हैं वहां दिया जला दे, नहीं दिखाई पड़े। तो फिर आत्मा को कैसे जानोगे? कई पंडित कथाकार एक ही बात कहते हैं, आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है, बिना मतलब चक्कर में पड़े हो, आत्मा को कैसे जानोगे? देखो, शब्द हैं, आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है, ये शब्द है। पर इस शब्द का अभिप्राय जो पंडित करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। और गुरुवाणी में तो ये तक कह दिया, पंडित कौन है जो कथा कर लेता है? नहीं, सीधा कह दिया, पंडित सोई जो मन पर बोधे, जो अपने मन को जगा सकता है, सावधान कर सकता है, वो पंडित है। पंडित सोई जो मन पर बोधे और राम नाम अंतस में शोधे। राम नाम क्या है? राम क्या है? रटे नहीं, राम नाम अंतस में शोधे। शोधे माने शुद्ध करे। क्या माने है राम? क्या है राम? राम दिखता है क्या? राम दृश्य है क्या? रामायण में एक ये भी चौपाई है, जगत प्रकाश है। जगत तो प्रकाश है, प्रतीत होता है। कहें राम प्रकाशक, राम जो प्रकाशता है वो राम है। अब तुम राम को प्रकाशित करना चाहते हो, राम को तुम देखना चाहते हो। राम दिखता नहीं है, राम से सब कुछ दिखता है। और ये भी मंत्र है, एनेदम। एक एक श्लोक याद रखो और दसियों से मिलकर बात करके तर्क वालों को लाके हमसे मिला दो। एनेदम सर्वम विजानाति। एन जिसके द्वारा, ये तृतीया विभक्ति है, संस्कृत वाले जानते हैं। एन इदम सर्वम विजानाति, जिसके द्वारा ये सब जाना जाता है, उसको तुम किसके द्वारा जानोगे? कोई एक और लाएगा, भगवान का बाप और भगवान जो भगवान को जानेगा? चेतन का दूसरा चेतन दृष्टा नहीं है। यहां तक ब्रह्म को भी कोई संप्रदाय का ले आना, ब्रह्म को भी कोई जान नहीं सकता।
फिर कैसे जानना जाएगा? ये मैं मंच से कहता हूँ, कान में चुपचाप मंत्र नहीं देता, खुलेआम मंत्र देता हूँ। ये परमात्मा किसी के ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए आत्मा से भिन्न यदि परब्रह्म परमात्मा है तो उसको किसने जाना? और जानने में नहीं आया तो केवल ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। इसलिए जानते हो वेदांत क्या कहता है? कहता है ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता, आत्मा ही साक्षात है। साक्षात माने संदेह रहित, डाउटलेस। जैसे डाउटलेस, फिर पूछता हूं, तुमसे ही पूछूंगा। और हम टीचर उसे नहीं कहते जो उत्तर देता है। अच्छा शिक्षक उत्तर नहीं देता, अच्छा शिक्षक बच्चों के अंदर से उत्तर निकालता है। प्रवचन में उत्तर आपको देना है, मुझे नहीं। इसलिए एनेदम सर्वम विजानात, जिसके द्वारा ये सब जाना जाता है उसको किसके द्वारा जानोगे? वो तो सबको वही जानता है। एक आध बचा देता कि वो नहीं जाना जाता परमात्मा के द्वारा, उससे परमात्मा जाना जाता है। इसलिए जिसके द्वारा सब जाना जाता है उसको किसके द्वारा जानोगे? अर्थात उसको जानना नहीं है। फिर क्या करें? पहले खोजो किसके द्वारा ये सब जाना जाता है। रूप, ये आज किसी ने लिख के दे दिया है, मुझे मालूम नहीं है गुरबाणी के ज्यादा शब्द, ये गलत हो, मेरे से पढ़ने में गलती हो तो क्षमा करना। इन्होंने लिखा है राम कली महला, पांचवा है शायद, सिख जानते होंगे। तो अब इसमें अगली लाइन है, पवन माही पवन समाया, पवन में पवन समा गया, और ज्योति मह ज्योति रली जाइया, और रल जाती है ज्योति में ज्योति, और माटी होई एक, माटी माटी से एक हो जाती, रोवन वाले की कवन टेक। अब एक और बता दे, सब नहीं, ये तो दूसरा भी एक शब्द है गुरुओं का, पंच तत्व का तन रचो जानहु चतुर सुजान, जाते उपजय नानका लीनताई में मान, जो चीज जिससे उपजती है उसी में लीन होती है। लहर पानी से उपजती है, पानी में लीन होती है। मिट्टी का बर्तन मिट्टी से उपजा ढेला, मिट्टी में समाता है। तो जो चीज जिससे बनी, ये पंचतत्वों का बना, पंचतत्वों में समाएगा। ये जीव कहाँ समाएगा? ज्योति ज्योति रली। एक जगह का और कहीं का ये वाक्य, ज्योति ज्योति रली संपूर्ण धिया राम, ज्योति ज्योति में समाती है। लेकिन एक गड़बड़ है, ज्योति अभी भी ज्योति में ना समाकर नींद में समा जाती। आपकी रोज ज्योति जागने में देह में समाई बैठी है, देह से मिल गई है। भले मिली नहीं मिली, पे देह से मिली मालूम पड़ने लगी। इसलिए ज्योति ने क्या माना? देहो हम, मैं बैठा हूं, बैठी हूं, लेटी हूं, जवान हूं, बूढ़ा, ये ज्योति क्या बन गई? देह। फिर क्या हुआ? ज्योति मन बन गई, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, बन गई।
और ज्योति अंत में नींद में चली गई, ज्योति में ज्योति नहीं गई। इसलिए बिना जाने ज्योति ज्योति में नहीं समाती, नहीं बिना गुरु के बिना ग्रंथ के बिना ज्ञान के ज्योति ज्योति में समा जाती। एक चुटकुला पहले मैंने कभी सुनाया है, सुना देता हूँ समझने के लिए। एक मंदिर में ज्योति जलाने आया बच्चा, ज्योति जला के आरती करने लगा, तो बच्चे से पूछ लिया पुजारी ने कि तू बता सकता है ज्योति कहाँ से आई। तो बच्चे ने उसका उत्तर तो दिया नहीं, फूंक मार दी। तो कहते पंडित जी तुम्हारे सामने ज्योति थी ना, कहते हाँ। चली गई ना, कहते हाँ। कहन बताओ कहाँ गई, तुम ये बता दो कहाँ गई तो मैं बताऊंगा कहाँ से आई थी। तुम बताओ, रोज ज्योति जलती है ना, देह में आई सपनों में रही, कहाँ गई थी। सुषुप्त नींद में चली गई, ज्योति चेतन में नहीं गई। ये ज्योति देह में रही, ये ज्योति सपनों में रही, ये ज्योति अज्ञानता में निद्रा में चली गई। ज्योति ज्योति में नहीं समाई। ज्योति को ज्योति में समा जाए तो बात बन गई, फिर चिंता ही क्या है। इसलिए कोई गुरु की कृपा हो तो ज्योति ज्योति रली, संपूर्ण दिया रहा। हम ये बताएंगे जो कसर है कल, ज्योति ज्योति में समाना कैसे संभव है। और तुम्हारे यहाँ तो कई जगह का नाम भी समाना है ना, अब पता नहीं वो कहाँ समाते हैं समाना वाले। और समाने की तो आदत पड़ी है, कोई देह में समा गया, कोई मन में समा गया, कोई धन में समा गया, आत्मा में समाते ही नहीं है। आत्मा में रहते हुए आत्मा में नहीं, लहर पानी में रहती हुई पानी में नहीं समाती। आप विषयों में धन में पद में पदार्थों में, इसलिए जानते हो ध्यान शब्द का अर्थ क्या है। ध्यान में कुछ लाना नहीं होता, ये पता नहीं किसने बता दिया। ध्यानम निर्विषयम मना, ध्यान है मन में कोई विषय ना हो, पद प्रतिष्ठा धन मन में वो, जब मन में कोई ऑब्जेक्ट कोई और नहीं होता तब ये मन अमन हो जाता है। और जब मन में कोई विषय नहीं होता मन अमन हो जाता है, इसी का नाम ध्यान है। अब पंजाब में तो अमन शब्द बड़ा प्यारा है, अमन ज्योत अमन नगर। हाँ, ये अमन, अभी तो समन समन समन, मन सहित मन, बड़े चुटकुले हैं। असल में एक शब्द सुना होगा, हमने भी किसी से सुना था कि लोग जैसे सुंदर सुगंध, और सु लगा दे सुगंध, और कु लगा दे या दू लगा दे दुर्गंध, ठीक है ना। तो सु लगाने से और कु लगाने से बुरा हो जाता है। तो एक बार ससुराल में दूल्हा गया, तो वहाँ कहने लगे कुंवर जी आए कुंवर जी आए। तो एक ने सु रखा था, कु लगाना ठीक नहीं होता, तो उसने सु लगा दिया। समझ गए वो कुंवर जी की, कहते सुवर जी आए सुवर जी आए। तो शब्दों को रटने से काम नहीं चलेगा। अमन ज्योत मनजोत सिंह हैं, सब सब मनजोत सिंह हैं।
मन ज्योत है बस, अमन ज्योत तो है ही नहीं। यदि अमन ज्योत कोई हो सकती है तो वही ये जगह है। बिना मन की ज्योत, मन ज्योत बदलती है, अमन ज्योत बदलती नहीं है। अमन ज्योत आत्मा है और अभी हम मनजोत सिंह हैं, मनजोत कौर हैं, बस इतना ही तो है ना। पंजाबी में सिंह लगा दो तो आदमी हो गया और कौर लगा दो बस, नाम एक ही तरह के। और यूपी वाले तो एक तरह का नाम ही नहीं रखते, बिल्कुल अलग होता है। और एक बार मैं अमेरिका में था, उसने पत्र लिखा, फलाने समय मैं इतने दिन योगाभ्यास किया, इतने दिन ये, इतने दिन ये, कुंडली जागरण ये सब लिखा। मैंने कहा इतने समय मैंने ये डिग्री प्राप्त कर ली गुरु, सब लिख के मुझे समझ नहीं आया ये लड़की का पत्र है कि लड़का का, क्योंकि आई एम आई एम आई एम नहीं समझ आया। क्यों? आई एम पुरुष, आई एम अदा। अच्छा, मैं जाता हूँ या जा रही हूँ अंग्रेजी में क्या होता है? आई एम गोइंग। पुरुष क्या कहेगा, लेडीज क्या कहेगी, समझ ही नहीं आया। हिंदी में तुरंत समझ आ गया, क्या मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। उनके पूरे लेटर में मैं नहीं समझ पाया, तुम ब्रह्म को क्या समझो, मैं समझ ही नहीं है कि लड़की है कि लड़का है। और एक बार हमारे संत शिष्य नहीं रहे, उनको मूछे नहीं थी, सब जानते हो परम प्रकार, तबीयत खराब हुई, हम बटाला थे तो जांच की तो उन्होंने कहा इनको तो पस सेल्स हैं। अब फिर हम गए अम्बाला, तो अम्बाला में हमारे शिष्य डॉक्टर हैं, अभी वहाँ होके ही आए। उन्होंने कहा ये बताओ कि दवा तो तब दे, ये लड़की है कि लड़का है? मैंने कहा मैं भी नहीं जानती, सास रहे हैं, मैं कौन देखता हूँ कि लड़की है कि लड़का। तो जानते हो क्या बात कही मेरे से, मज़ेदार है ये, इसीलिए भूमिका बनाई। उन्होंने कहा ये बताओ इसको लड़की ज़्यादा अच्छी लगती है कि लड़का? यदि लड़कियों से ज़्यादा प्यार करता है तो लड़का है, और लड़कों से प्यार आता है तो लड़की, ये अपोजिट से प्यार होता है। खैर, विदेश में होते तो ये भी झंझट है, वहाँ तो बड़े विचित्र ही लोग हैं, पुरुष पुरुष से शादी करते हैं, लेडीज लेडीज से। एक हमारी शिष्या ने भी रिंग सेरेमनी कराई, दोनों स्त्रियाँ थी, और मेरे को वहाँ पुरोहित बना लिया। और कहो तो नाम भी बता दो। ठीक है, तो अभिप्राय ये है कि लोग पागल हो गए। तुम जिनकी कल्चर की प्रशंसा करते हो वहां मेल मेल शादी कर लेते हैं। अच्छा, मेल मेल शादी से पुत्र कितने होंगे? और भगवान ने काम पैदा किया है, क्योंकि काम की बात आई थी, क्रोध की आई थी, काम सृष्टि चलाने के लिए है। प्रजनस चास्मि कंदर्पः, मैं गीता बोल रहा हूँ, सृष्टि के लिए काम है, केवल मटर गस्ती करने के लिए नहीं। तो पुरुष पुरुष शादी करेंगे तो सृष्टि चलाएंगे, लेडीज लेडीज शादी करके सृष्टि चलाएंगी। इसका मतलब विदेश पतन की पराकाष्ठा है, केवल भोगी हैं, भगवान के भक्त नहीं। भगवान के भक्त तो सृष्टि चलाते। और ये भी मैंने बहुत बार बोला है, इस बार पूज्य बाबा राम सिंह जी का शरीर नहीं रहा, वो आते थे तो हम लोग कई बार चर्चा करते थे, तो ये बताते थे
अमृतसर में प्रवचन करके मैं रोड पर गया तो एक सरदार रिक्शा लिए खड़े थे। तो जैसे साधु रिक्शा लिए हो तो तुम्हें आश्चर्य होगा, क्यों साधु को रिक्शे से क्या? तो हम केसधारी को ऐसा लगता था ये तो गुरु गोविंद सिंह के रूप है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा में मैं करूं निवास। तो खालसा केसधारी थे रिक्शा लिए, तो मैं उनको दर्शन करने लगा जैसे कोई संत के, जैसे गुरु गोविंद सिंह को मैं देख रहा हूं। उसने समझा इन्हें रिक्शा चाहिए, उन्होंने कहा आइए। मैंने कहा नहीं मुझे रिक्शा नहीं चाहिए, मैं तो आपको देख रहा हूं। तो बड़ा खुश हुआ, खुश होके बताने लगा, कहते हैं मैं अमृतधारी सिख हूं, मैं पांच वाणी का पाठ करता हूं, मूल मंत्र का जाप करता हूं, मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी है, दो बच्चे हैं, और मैं मेहनत की कमाई से अपने बच्चों का पालन करता हूं। अपनी बात बता दी बड़े खुशी से। फिर मेरे से पूछता है सीधा था, आप साधुओं की गृहस्थ नहीं पाता तो कि लाल कपड़े वाले बाबा होते, सरदारों को ज्यादा जानता था, हमको क्या जाने, जैसे हम कई सरदारों को नहीं पहचान पाते, हमें तो एक ही जैसे लगते हैं। उसने पूछा आप साधुओं की गृहस्थ, मैंने कहा साधु तो जानते हो, आप कहते हो तो गृहस्थी हैं। वो गृहस्थ होते हुए गर्व से बोला, कहते हैं आप साधु हो, आप एक पुण्य करते हो, हमें दो पुण्य करता हूँ, जानते हो पहले कभी सुनाया याद है कि नहीं? उन्होंने कहा मैं दो पुण्य करता हूँ, मैं भगवान की सृष्टि भी चला रहा हूँ और भक्ति भी कर रहा हूँ। आप केवल भक्ति करते हो, भगवान की सृष्टि कहाँ चला रहे हो? मैं इसलिए बोला गृहस्थी सृष्टि चलाना अपराध नहीं है, लेकिन आप अपना मोह के लिए शादी करके अपने बच्चे चला रहे हो कि भगवान की दुनिया चला रहे हो, अपने मन से बताना ईमानदारी। तुम्हें अपने लड़के चाहिए, भगवान की दुनिया नहीं। यदि तुम भी भगवान के बच्चे पैदा कर रहे, भगवान की दुनिया चला रहे, तो काहे के मोह, कहाँ मेरा तेरा, हम भगवान के भक्त हैं, भगवान का काम कर रहे, शादी करके भगवान का काम, युद्ध करके भगवान का काम। गुरु गोविंद सिंह जी युद्ध करते हैं, अकाल पुरुष का काम करते हैं, आप भगवान का काम करो, और क्रोध भी करो तो भगवान के काम के लिए, दुष्टों के सफाई के लिए। भगवान क्रोध जब करते हैं तो दुष्टों के, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए प्रणकीन, दुष्टों के सफाई के लिए भगवान ने बाण उठाया, निर्दोष हिरण के बच्चों के लिए नहीं। अर्थात आपका क्रोध, आपका लोभ, भगवान की सृष्टि अच्छी चले, कोई भूखा न रहे। यदि आपके पास धन है तो संकट के समय बांटो, और आप क्या करेंगे, मनाते हैं संकट आ जाए तो हमारा माल महंगा बिके, फर्क समझ लो। भामाशाह होते हैं जो संकट में अपनी तिजोरी खोल देते हैं, और मौके की तलाश वाले सोचते हैं कोई संकट आए, महंगाई आ जाए तो हमारी 100 की चीज 1000 की जाए, 1000 की 5000। हम मौके में फायदा उठाते, भगवान कहते नहीं तुम मेरी सृष्टि है, मेरी सृष्टि, जैसे अपने बच्चों का तुम ख्याल करते हो, ये सब किसके हैं, भगवान के। और गुरुओं ने यही तो कहा, हमारा एक पिता है, हम एकस के सारे बालक, उस भगवान के। लेकिन ये सब जवान तक रह जाता है, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान, कुरान जवान तक, गुरु ग्रंथ साहब जवान तक, वेद पुराण जवान तक,
एक संत ने कहा ये जो जवान में है कहीं दिल में होता तो बात न बन जाए। ये सब भगवान का है, और जिस दिन ये समझ आ जाए कि ये सब भगवान का है, आपका जीवन बदलना थोड़ी पड़ेगा, आप ही बदल जाएगा। इसलिए ये मंत्र हैं, क्योंकि मंत्र देते समय तो ये जब वो बात खत्म। असल में सच्चा मंत्र सभा में ही दिया जाता है, और अकेले में तो मंत्र महाराज ये गुप्त नाम है, तो गुप्त ही में तो गड़बड़ है। जितने पाप हैं वो गुप्त ही होते हैं, प्रकट में तो पाप कोई करता ही नहीं। इसलिए प्रकट, तुम कौन हो, क्यों आए हो, ये भी सुन लो, गुरुवाणी से सुन लो। हमारे पास थोड़ी गीता है, थोड़ी रामायण है, उपनिषद ज्यादा है, थोड़ा गुरु ग्रंथ साहब, हुक्मे अंदर सब है। ये समझ आ गए, बाहर हुक्म ना कोई, उसके हुक्म के बाहर कुछ है ही नहीं, क्या चिंता। हुक्मे अंदर सब है, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जो बुझे, शर्त है नानक हुक्मे जो बुझे तो हों मैं कहे न को, गई हूं मैं। वो करने वाला है, और भी क्या क्या सुनाए हमारे गुरुओं ने, एक आज्ञा दी है, जैसे लोग कहते हैं उनका हुक्म है, तो बताएं गुरुओं का क्या हुक्म है। जो सपना और पेखना, क्या करो आगे। हाँ देखो, इसीलिए रुक गया हूं, उसे समझाना है। जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, जानते हो कहा है क्या, आज्ञा दी है जान, जानते नहीं हो, इसे स्वप्न नहीं जानते, इसे खेल नहीं समझते, लीला नहीं समझते, क्या समझते हो मेरा है। इसलिए इसे सपना जान, जानने में मेहनत पड़ेगी। ये गुरु कह के गए हैं जान, और चेले क्या कहते हैं, गुरुमुख क्या कहते हैं, जानने की जरूरत नहीं, करो पाठ, जानने की जरूरत नहीं। और हिंदू क्या कहते हैं, गीता को मत समझो, भगवान के सामने अर्जुन है, गीता सुना रहे हैं। और गीता सुनाने पर भी जब अर्जुन ने कहा आप तो भगवान हो, तो कहते गलत फहमी है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है वो मुझे देखता है। पर हम भगवान की मूर्ति पूजते हैं, गीता को भुला दिया, लोग गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, वाणी के भाव को भुला दिया, और राजनीतिक ने तो सब कुछ चौपटे किया, भाई भाई को लड़ाया। पहले अंग्रेज लड़ाते थे, क्योंकि जब वो आए तो मुसलमान और हिंदू यहां रहते थे, जब वो लोग आए तो उन्होंने क्या किया, धार है देखा ना, मध्य प्रदेश में धारा नगरी, यज्ञशाला भी वहीं, और मस्जिद के लिए वो पीछे वो जिधर वो इबादत करते वो भी वहीं, और सरस्वती प्रतिमा थी उसको विदेशी ले गए। मतलब मुसलमान और हिंदू लड़े, ये किनकी राजनीति थी, अंग्रेजों की। वो क्यों, उनको लड़ा के ही थोड़े लोग आए थे राज्य कर ले, आपस में तुम लड़ो। तो इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि अब तो हमारा अपना राज्य है, यदि अब भी सिख भाई हिंदू भाई, अब भी इस देश के अनेक धर्म के लोग भाई भाई की तरह ना रहें तो क्या दुर्भाग्य है ये। अब भी फूट डालो राज्य करें क्या, अब एकता करो राज्य करो, प्रेम करो राज्य करो, भाईचारा करो राज्य करो, हिंदू और सिख
कोई अलग अलग हैं। हमारे गुरुओं ने उपदेश, हम देखो हिंदू सहजधारी हैं, वो केसधारी हैं, तो सब हम गुरबाणी के मानने वाले तो भूल गए क्या? इसलिए क्या बताएं हम अंत में, क्योंकि मेरा विषय छूट जाएगा, इस पर ही भोग डालना आज का कल का नहीं। कल तो अभी ध्यान है और कल का प्रवचन है। क्या करो? ध्यान में बैठकर जानो, इंद्रियों को जानो, इंद्रिय के विषय को जानो, मन को जानो, मन के विषय को जानो, चित्त की वृत्तियों के परिवर्तन को जानो, और न जान पाओ तो बताना। ये आज्ञा वही दी जाती है जो कर सको। पहले प्रवचन में कहा है चिड़ियों के बच्चे सुबह उड़ते हैं, ये तो अपन कहते चिड़ियां जग गई तुम भी जग जाओ, पशु पक्षी जग गए, पेड़ पौधे जग गए तुम भी जग जाओ, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है, उठो। लेकिन कोई माँ इतनी बुद्धू मैंने नहीं देखी जो अपने बच्चे को कहे चिड़िया उड़ती है तू भी उड़, कौवा उड़ता है तू भी उड़, नहीं। क्यों? माँ जानती है कि उड़ नहीं सकता। तो गुरु इतना नहीं जानते कि चेलों को क्या आज्ञा देना है, तो गुरु ने क्या आज्ञा दी? ये जगत स्वप्न है, खेल है, इसे तू स्वप्न समझ, जान। आज्ञा दी है इसलिए जानो। तो जो गुरु की आज्ञा मानेंगे वो हमारा प्रवचन सुनेंगे। क्यों? हम वही बताना चाहते हैं ये सपना क्यों है। लहर की पहचान और पानी की पहचान क्या है, ढेले की पहचान और मिट्टी की पहचान क्या है? आप तो इतना तो जानते ही हो, ढेला है जो पहले नहीं था अभी बना है, कुछ देर बाद नहीं रहेगा, ढेला किसे कहते हैं, ठीक है ना? और मिट्टी क्या है, जो ढेले के पहले भी थी बाद में भी रहेगी, ये तरीका हो गया ना। तो अब ये देखना कौन कितनी देर रहा, सपना कितनी देर रहा, और तुम कितनी देर रहे। सीधा सीधा है, इसके लिए जमीन आसमान नहीं, सरल से शब्द हैं। स्वप्न कितनी देर रहा, और स्वप्न जैसे ढेला रहा तो मिट्टी उतनी देर ढेले में रही कि रही नहीं? ढेला कुछ देर रहा, मिट्टी उस समय भी रही, पहले भी थी और बाद में रही। जो बाद में रही वो सच है, जो थोड़ी देर रही वो स्वप्न है, वो ढेला है। तो सपना थोड़ी देर रहा, और तुम उस समय थे कि नहीं? जो स्वप्न के समय न रहे वो हाथ उठा दें, चाहे बनिया हो चाहे पंडित, सिख हो चाहे हिंदू, साधु हो चाहे गृहस्थ। हमारा उपदेश किसी एक जाति मजहब का नहीं है। स्वप्न कितनी देर रहा, और तुम स्वप्न में मौजूद थे कि नहीं, और स्वप्न चले जाने पर तुम चले गए कि स्वप्न, तो तुम सत्य हो, वो स्वप्न है। अब वही नहीं, ये जो अभी तुम सुन रहे हो, ये सुनना, ये देखना, ये जानना कितनी देर रहा? 2400 घंटे, वर्षों तक लगातार, कि कुछ देर को गायब हो गया सुनना? तो सुनना, देखना, जानना कुछ देर को गायब हो गया, पर तुम इसके गायब होने में स्वप्न में भी थे। और सुनना, देखना, जानना दोनों गायब हो गए नींद में, तुम सब भी मौजूद थे, और नींद चली गई तुम मौजूद हो। तो सपना ही सपना नहीं है, फिर याद रखना। हम भरी सभा में कहें सुषुप्ति भी सपना है, वो थोड़ी देर रही गई, स्वप्न भी सपना है कुछ देर रह गया, और जागना भी सपना है कुछ देर रह गया। तुम ही सत्य हो जो सुषुप्ति में, स्वप्न में और जागृत में रहे। इसलिए जगत है जागृत का सपना,
निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना, शिवो हम बोल जरा प्यारे। ये जो शिवो हम बार बार बोलते हैं, और ये भी कहते शिवो हम, ये ऐसा क्यों? कई लोग पूछते ऐसे करके ऐसे क्यों करते हैं? मैंने कहा शिवो का मतलब है सब जगह शिव, और हम का मतलब हम भी वही है। सब जगह शिव है और वही हम है। क्यों? सब में समाया है वही मेरे में, तो जो सब में समाया है वही मुझ में, जो मुझ में है यही सब में। इसलिए ये जो अंदर है यही ब्रह्म है। और सुखमनी साहब में आत्मपदी और ब्रह्मपदी, आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान दो शब्दों का प्रयोग किया है। इसका मतलब आत्मज्ञान अकेला ब्रह्मज्ञान नहीं है। और इसकी चर्चा कल का दिन रह गया, ठीक है, बस कल हम अपना काम पूरा करें। हमारी इच्छा ये है कि पूरा तुम्हारे घर के ताला चाबी। अच्छा, जेल क्या होती है? जिसमें तुम रहते हो भोजन मिलता है, लेकिन निकलने की जाने आने की चाबी तुम्हारे हाथ नहीं होती। और घर किसे कहते हैं? जिसकी चाबी तुम्हारे अंदर, अंदर जाओ बाहर जाओ लगाओ निकलो। बंद करना मना नहीं है, ताला लगाना मना नहीं है, लेकिन तुम्हारे यहाँ चाबी है। तो हम ये चाहते हैं अभी जहाँ रहते हो इसके बाहर जाने की चाबी तुम्हारे पास है। हम चाबी दे देंगे, जब चाहे बाहर आ जाओ, जब चाहे अंदर चले जाओ। सद्गुरुदेव भगवान की, बोला सच्चिदानंद भगवान की। हम भी सदा वहीं नहीं रहते, हम भी बाहर आते, हम भी भीतर जाते, पर हमें आने जाने में तुमसे चाबी नहीं मांगना। इसलिए चाबी गुरु के हाथ है। बोला सद्गुरुदेव भगवान की। तो कल चाबी देने का दिन है, ठीक है। आज हमने रिश्ता कराया था और कल चाबी देंगे, ठीक है। तो सुबह आप अधिक से अधिक संख्या में योगासन करें। देखो परिश्रम करते हैं लोग, गंदी किताबें बेच के, नशा बेच के जीवन खराब करते हैं। ये योग सिखा के, प्राणायाम सिखा के, ध्यान सिखा के, हंसना सिखा के, रोने से छुट्टी दिला रहे, तो उसमें भाग लो। हम भी उसी रास्ते में आगे चला देते हैं, हमारा कोई अलग काम थोड़ी है। हम तो एक आदमी था, ये कह के देते हैं। एक आदमी कहता था तुम कौन हो? कहते मैं चित्रकार हूँ। तो एक दूसरे से पूछा तुम क्या हो? कह मैं विचित्रकार हूँ। कहते क्या लोगे? कहते जो इसको देते हो वही मुझे दे देना। तो एक चित्रकार को तय हो गए 10,000, और उसको भी। अब एक दीवार दे दी गई, दीवार में वो चित्र बनाता रहा, सफाई की पुताई की, चित्र बनाए बढ़िया बढ़िया। और एक ने कुछ नहीं की, सिर्फ उसकी घोटाई की, घोटाई की। बीच में पर्दा, कोई एक दूसरे की नकल ना कर सके, पर्दा लगा दिया अपना अपना। जब समय आया तो देख, चित्रकार ने अपने चित्र दिखाए, विचित्रकार को तुम दिखाओ, कहीं पर्दा हटा दो। पर्दा हटा दिया, सारे चित्र इधर, किया कुछ नहीं, सिर्फ वो चमका दिया तो चित्र सारे उसमें आ गए विचित्र का, ठीक है। तो एक मेहनत किए कि ये मर जाएंगे, एक अंतःकरण को साफ करेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। बस सद्गुरुदेव भगवान की।